उसके बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे एनिमल के 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज सर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में 54.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 175.85 करोड़ का कलेक्शन किया था, अपने पहले हफ्ते में 296.55 करोड़ का और अपने दूसरे वीकेंड में 84.65 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 11वें दिन मैंने सोमवार के दिन में लगभग 7.20 करोड़ के कलेक्शन किया है। और इसी के साथ इस फिल्म के 11 दिनों को टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 388.40 करोड़ हो चुका है। तो ऑल इंडिया में इस फिल्म ने अपने पहले दिन 63.80 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 200.40 करोड़ कर अपने पहले हफ्ते में 332.67 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड में 90.85 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 11वें दिन मैंने सोमवार के दिन में लगभग 8 करोड़ का कलेक्शन किया है। और इसी के साथ इस फिल्म के 11 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 431.52 करोड़ हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 514.60 करोड़ हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 198 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 11 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 712.60 करोड़ हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 12वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 12वें दिन में इंडिया में लगभग 5 से 7 करोड़ के रेंज में नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 140 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। ये फिल्म रणवीर कपूर की संजू के बाद दूसरी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है। फिल्म जैसा कलेक्शन करती दिख रही, उस हिसाब से लग रहा है कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ भी कमा सकती है। इस फिल्म को जितना कलेक्शन करना 10 दिनों में कलेक्शन करना होगा। उसके बाद शाहरुख खान और प्रभास की फिल्म डंकी और सलार रिलीज हो रही है, जिसके बाद एनिमल के कलेक्शन लगभग डाउन हो जाएंगे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ कमा पाएगी या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।